हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की हम कटिंग देखने वाले हैं। तो चेस्ट है 40 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 10 इंच। लंबाई है ब्लाउज की 14 इंच, गला फ्रंट नेक 6.5 इंच, बैक नेक 8 इंच, बाजू 5 इंच, लंबाई में 5 इंच है और चौड़ाई में 7 इंच। तो अब इसकी हम पहले पेपर कटिंग देखते हैं। पहले लंबाई नापते हैं, तो लंबाई ली है हमने 14 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच हमने लंबाई ली है। चौड़ाई में जैसे कि यहाँ पे हम 2.5 इंच गले का नाप लेते हैं, 5.5 इंच पे हम शोल्डर का नाप लेते हैं, हमारा चेस्ट का 1/4 है 10 इंच और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। फ्रंट नेक है हमारा 6.5 इंच, तो इस तरह से साढ़े छः इंच हम आर्मोल लेते हैं। डेढ़ इंच पे आर्मोल का शेप देने के लिए और दूसरा 2 इंच पे। आर्मोल का शेप देने के बाद गले का भी हम शेप देते हैं 1/4 इंच पे, इसे भी हम गोल आकार देते हैं। गले के साइड से हम क्रॉस पट्टी लेंगे 3.5 इंच और आर्मोल की साइड से 2.5 इंच। तो इस तरह से ये दोनों जॉइंट करेंगे। क्रॉस पट्टी के ऊपर हम कटोरी का नाप लेते हैं, तो 40 चेस्ट के लिए हम 6.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच आर्मोल की साइड से हम 2.5 इंच लेंगे और गले के ऊपर हम 1 इंच लेते हैं। ये तीनों पॉइंट को जॉइंट करेंगे। अब इसकी कटिंग देखते हैं। ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। अब ये जो आगे का पार्ट है कटोरी का, अब दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं। यहाँ पे दूसरे पेपर पर 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन लगाते हैं। और ये जो कटोरी है इसके ऊपर रखते हैं। जैसा ये शेप है वैसा ही पहले निकालते हैं। अब इसको 1.5 इंच इस साइड से लेंगे और 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। यहाँ से भी 1.5 इंच लेंगे और 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे।
इसका हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर से बिल्कुल सीधा एक लाइन खींचते हैं। अब ये ज्वाइंट करेंगे। ये ऊपर के साइड से थोड़ा सा सिलाई के लिए थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इसको गोल शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। इस साइड से आधा इंच ऊपर की तरफ ऐसा गोल शेप देंगे। ये हो गई हमारी कटोरी की कटिंग। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। बाजू है हमारी 5 इंच, तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 6.5 इंच। आर्म होल लिया था हमने 6.5 इंच, तो उसमें 2 इंच प्लस करते हैं 8.5 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं, 1 इंच पे सीधा और दूसरी साइड से भी 1 इंच। तब ये 2 पॉइंट ज्वाइन करेंगे। इस दोनों में हम 1 इंच का डिफरेंस रखते हैं, तो आधा इंच हमारी बाजू को तिरछा कट रहता है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हुई हमारी बाजू की कटिंग। ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। इस तरह से ये कटोरी, स्लीव्स और ये क्रॉस पट्टी। तो कपड़े पर जब हम कटिंग करेंगे तो क्रॉस पट्टी नीचे के साइड से आधा इंच बढ़ानी पड़ती है। ये 40 इंच चेस्ट का हमने कटोरी ब्लाउज की कटिंग की है।